नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 वर्सेस Samsung Galaxy A21s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 10 में 6.31 इंच जबकि Samsung Galaxy A21s में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Note 10 में 2.93 इंच जबकि Samsung Galaxy A21s में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Note 10 में 0.33 इंच जबकि Samsung Galaxy A21s में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Note 10 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 10 में 178.8 ग्राम्स जबकि Samsung Galaxy A21s में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि Note 10 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 10 में सुपर AMOLED जबकि Samsung Galaxy A21s में TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 10 में 6.43 इंचेस जबकि Samsung Galaxy A21s में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 10 में 1080x2400 और Samsung Galaxy A21s में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 10 में 83.53% जबकि Samsung Galaxy A21s में 82.75% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 10 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Samsung Galaxy A21s में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Samsung Galaxy A21s की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 10 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Samsung Galaxy A21s की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 10 में Adreno 612 जबकि Samsung Galaxy A21s में Mali-G 52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 10 में Qualcomm Snapdragon 678 और Samsung Galaxy A21s में Samsung Exynos 8 Octa 850 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Samsung Galaxy A21s में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Note 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Samsung Galaxy A21s में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Note 10 में Android V11 जबकि Samsung Galaxy A21s में Android V10 Q देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो नोट 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,442 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी A21s की, तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,490 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Xiaomi Redmi Note 10 में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A21s की, तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में नोट 10 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Note 11 है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।